अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ एप्पल का जैम, जिसके लिए मैंने लिए हैं ये एक किलो सेब है और 800 ग्राम शक्कर ली है और एक नींबू लिया है। चलिए अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं एप्पल जैम। फ्रेंड्स, अब हम सारे एप्पल्स को छील लेंगे, इसके छिलके मैं सारे उतार लूँ। फ्रेंड्स, चलिए अब हम मैं स्टार्ट करती हूँ जैम बनाना। सबसे पहले मैं चूल्हा ऑन करूँगी। फ्रेंड्स, देखिए मैंने ये सारे एप्पल छील करके इसको इस टाइप से महीन महीन छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब मैं पकाना स्टार्ट करती हूँ। एक कढ़ाई में मैं ये सारे एप्पल के पीस डालती हूँ। फ्लेम को लो पे रखेंगे। अब हम इसमें आधा कप पानी डालेंगे और मीडियम फ्लेम कर देंगे। इसको गलने देंगे। ये एप्पल अब पक रहे हैं, देखिए इसमें भाप बन गई है। अब इसी तरह से इसको हम बीच बीच में चलाते रहेंगे और इसको जब गलने तक के इसको पका लेंगे, फिर इसको हम मैश कर लेंगे। देखिए ये सेब अच्छी तरह से पक रहे हैं और ये धीरे धीरे गल रहे हैं। अभी इसको गलने में 5 से 10 मिनट और लगेगा। ये एप्पल अब पक चुके हैं और गल चुके हैं। अब हम इसको किसी भी चीज़ से, चम्मच से करें या आप बीटर से करें, इसको ऐसे करके इसको मैश कर लेना है पूरी तरह से। इसके पीस एकदम मैश हो जाने चाहिए। धीरे धीरे मैश हो रहे हैं ये। एक भी पीस नहीं रहना चाहिए। ये एप्पल अब पूरी तरह से पक चुका है और मैश भी हो चुका है। अब इसका पूरा पानी सूख गया है। अब हम इसमें डालेंगे शक्कर। और फ्लेम को मीडियम पे रखेंगे। शक्कर डाल करके इसको मिक्स करेंगे और इसको चलाते रहेंगे, नहीं तो शक्कर इसके बॉटम में चिपक जाएगी और जैम खराब हो सकता है। शक्कर अब मेल्ट होना शुरू हो चुकी है। इसको सिर्फ 5 से 10 मिनट लगेगा जैम तैयार होने में। इसमें मैंने किसी भी तरह का फूड कलर यूज नहीं किया है। बाजार के जैम में तो फूड कलर पड़ता है, लेकिन मैंने यूज नहीं किया है। अब इसको पकने देंगे और बीच बीच में चलाएंगे। देख, ये जैम अब पक रहा है और ये बिल्कुल तैयारी पे है। अब इसको हम टेस्ट कैसे करेंगे कि ये पक गया है, इसकी पहचान क्या है? तो इसको एक स्पून में लेते हैं और इस तरह से छक्के के रूप में नीचे आएगा ये। इसको 2 मिनट और है अभी। रस नहीं टपकना चाहिए, पूरा का पूरा नीचे आना चाहिए। इसको लगातार चलाते रहेंगे। फ्रेंड्स, अब ये जैम पूरी तरह से रेडी हो चुका है। देखिए ये चम्मच से ऐसे थक्के की तरह से नीचे आ रहा है। अब हम फ्लेम को बंद करके इसमें नींबू का रस डालेंगे। जो एक नींबू मैंने निचोड़ कर रखा है वो सब डाल देंगे। नींबू से इसमें क्रिस्टल नहीं आते और प्रिजर्वेशन भी इसका होता है। और इसको ठंडा करेंगे, इसकी भाप जब निकल जाएगी तो फिर हम इसे चौड़े मुँह के एक जार में इसको रख लेंगे। अभी ये बहुत गर्म है, थोड़ा सा इसको ठंडा करना है। फ्रेंड्स, मैंने इस जैम को डिश आउट कर लिया है।
अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।